कोविड महामारी की भेंट चढ़ा मुंबई सागा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, दो दिन सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमाए। रानी मुखर्जी के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म का ऐलान, इसका नाम होगा मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। साउथ इंडिया सिनेमा में भी कियारा आडवाणी की मांग, शंकर की फिल्म में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी कियारा आडवाणी। कंगना रनौत दो दिन बाद अपने जन्मदिन पर मुंबई और चेन्नई में लॉन्च करेंगी थलाइवी का ट्रेलर। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कमजोरी महसूस कर रहे थे सतीश कौशिक, हॉस्पिटल में हुए एडमिट। टीवी पर शादी करेंगे बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट अर्शी खान, नए शो आएंगे तेरे सजना में आएंगी नजर। नहीं रहे सिलसिला और कहो ना प्यार है जैसे फिल्मों के लेखक सागर सरहदी, 88 साल की उम्र में मुंबई में लिए अंतिम सांस। कंगना रनौत ने शेयर की नासा की बिंदी पहने इंडियन इंटर्न की फोटो, बोली साइंटिफिक दिमाग वाले व्यक्ति का झुकाव नेचुरली ही हिंदुइज्म की तरफ होगा। सूरज पंचोली बोले इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना हर किसी के लिए मुश्किल, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मुझ पर नेपोटिज्म का टैग लगाते हैं। गृह मंत्री देशमुख पर लगे आरोप पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, साबित हुआ कि मैं सच्ची देशभक्त हूँ, हरामखोर नहीं।